आलमी सतह पर 463 मिलियन बालिग ज़ियाबीतस का शिकार हैं। आजकल गैर सेहत बख्श और चीनीदार प्रोसेस खाने का इस्तेमाल इस मसले में इजाफे का बायस बन रहा है। तहकीकात बताती हैं कि 2040 तक दुनिया भर में 700 मिलियन लोग ज़ियाबीतस का शिकार हो जाएंगे और इससे बचाव के इकदामात, इलाज जल्द अज़ जल्द करना बहुत ज़रूरी है। आज मैं ज़ियाबीतस के शिकार अफराद के लिए एक जादुई मशरूब शेयर करने जा रही हूँ। ये मशरूब इन्हें ब्लड शुगर की सतह को कंट्रोल में रखने और बहुत सेहतमंद और पुरसकून ज़िंदगी गुजारने में मदद देगा। आमला का काढ़ा एक हैरान कुन मशरूब है। ये हाई ब्लड शुगर लेवल और इंसुलिन के मसले से परेशान अफराद की मदद करता है। आमला एक सुपर फूड है जो आपके जिस्म के लिए हैरान कुन काम करता है। आमला पेनक्रियाटाइटिस से रोकने में मदद देता है। पेनक्रियाटाइटिस पेनक्रियास की एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें पेनक्रियास में सोजिश हो जाती है और ये इंसुलिन पैदा करने वाले खुलियों को नुकसान पहुंचाती है। इसकी वजह से ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है। आमला ब्लड शुगर लेवल के इंतज़ाम में उसको मैनेज करने में मदद करता है, इसलिए आमला को कहा जाता है कि वो पेनक्रियास की सोजिश को रोकेगा। इसके अलावा आमला में एक बहुत ही कीमती धात क्रोमियम मौजूद है। ये मादनियात जो ब्लड शुगर लेवल को कम करती है और इंसुलिन की हसासियत को बढ़ाती है। आमला विटामिन सी से भी भरपूर है। विटामिन सी टाइप 2 डायबिटीज में मुब्तला अफराद को फ़ायदा पहुंचा सकता है। ये दिन भर में ब्लड शुगर लेवल को कम करता है। इसके अलावा खाने के बाद बढ़ने वाले ब्लड शुगर लेवल को भी कम करता है। आप जानते ही हैं कि ऑक्सीडेटिव तनाव ना सिर्फ डायबिटीज बल्कि बहुत सी बीमारियों का सबब समझा जाता है। आमला में भारी मिकदार में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं और ये आमला हमारे निज़ाम में ऑक्सीडेशन के असर को उल्टा करके ज़ियाबीतस से लड़ने में मदद करता है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि इस जादुई काढ़े को सही तरीके से कैसे पीना है। उठने के बाद आपको अपना पेट खाली नहीं रखना चाहिए। सुबह उठते ही पहले खाली पेट पर आमला का जूस लें, एक गिलास गर्म पानी लें, उसमें एक चम्मच आमला पाउडर और एक चुटकी हल्दी पाउडर डालकर सुबह के वक्त पी लें। ये ना सिर्फ सुबह बल्कि आपकी पूरी ज़िंदगी में ब्लड ग्लूकोज लेवल को नज़म करने में मदद करेगा। एक और फ़ायदेमंद मशरूब करेले और आमले का जूस है। करेला और आमला के जूस के मजमूए में एक ताकतवर ज़ियाबीतस मुखालिफ असर होता है। ये तमाम ज़ियाबीतस से मुतल्लिक पेचीदगियों को कंट्रोल करता है। करेले और आमला दोनों का जूस गुर्दों और जिगर के मसाइल में भी मदद कर सकता है। करेला में मौजूद फाल कंपाउंड पॉलीपेप्टाइड और वाइसिन में ज़ियाबीतस मुखालिफ खसूसियात हैं जो कि ब्लड शुगर को कम करने में मदद करते हैं। 10 मिलीलीटर करेले का जूस लें और 10 मिलीलीटर आमला का जूस लें। फिर इसे पतला करने के लिए एक गिलास पानी शामिल कर लें। इसे भी निहार मुंह सुबह सवेरे खाली पेट लें। लेकिन ये याद रखिएगा कि करेला अपने मौसम में आता है। जब कभी करेले का मौसम हो तो इस मशरूब का इस्तेमाल करें, वरना सिर्फ आमला का जूस पी लें, उसका भी उतना ही फ़ायदा होगा। अपने ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल रखने के लिए ये जादुई मशरूब रोज़ाना पिएं और आप फिर अपनी ब्लड शुगर लेवल को चेक करें कि क्या आपको इस मशरूब से कोई फ़ायदा हुआ कि नहीं।